भी तमी सरकार बैठी हुई है, अगला 5 साल में वो लोग देख लेना ये सरकार रहती है या होती है या क्या करती है। नमस्कार, P3 न्यूज इंडिया बिरसा चौक पहुंच चुका है और बिरसा चौक में आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा का धरना चल रहा है। इस सिलसिले को लेकर हम उनसे बात करेंगे, क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या उनकी मांगे हैं। मेरा नाम केन सिंह है और मैं भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश का सचिव हूं। हमारी समस्या है कि बरसों से कार्यरत आंगनबाड़ी झारखंड प्रदेश में है, जिनका की मानदेय सरकार द्वारा बहुत ही कम दिया गया है और बार बार सरकार के आश्वासन के बावजूद इनका मानदेय 18,000 रुपया जो संघ का मांग है वो नहीं दिया जा रहा है। ना तो इन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है, ना तो इनका PF कटौती किया जाता है, ना तो मेडिकल की सुविधा कर दिया जाता है। जैसे हमारे साथी ने कहा, 3 बार समझौता के बावजूद भी हमारी मांग को इनके मांग को नहीं रखा। मैंने जमशेदपुर में आंगनबाड़ी मुख्यमंत्री का निवास का जिस दिन घेराव किया था, उस दिन भी मुख्यमंत्री ने कहा था, आश्वासन दिया था कि आंगनबाड़ी कर्मचारी को सम्मानजनक समझौता दिया जाएगा, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी आज तक सरकार की ओर से कोई इस पर पहल नहीं किया गया, जिसके कारण आज नाराज होकर के संयुक्त मोर्चा बना करके हमने सरकार को आज ज्ञापन देना चाहते हैं और ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी की समस्याओं को अगर यथाशीघ्र हल नहीं करेंगे तो 16 तारीख के बाद, जैसा कि हमारे संगठन के अध्यक्ष ने बताया, 16 तारीख के बाद हम लोग मिल करके उग्र प्रदर्शन करेंगे झारखंड सरकार के विरोध में, जिसका सारा उत्तरदायित्व झारखंड सरकार पर होगा, यही मेरा कहना है। कि क्या क्या आपकी शर्तें हैं जिसको सरकार अनदेखी कर रही है? झारखंड सरकार जो लिखित समझौता लागू किए, हम लोग उसी को मांग कर रहे हैं और वो अनदेखी कर रहे हैं। आज रिटायर सेविका हो रही है 60 बरस, 60 वर्ष जब तक उनका हाड़ और मांस एक साथ ही रहा तो काम कराते रहे, और जब वो सेविका रिटायर कर रही है तो उसको हाथ में कटोरा थमा दिया जा रहा है कि जाओ भीख मांगो, ये कहाँ का न्याय है? उसके मांग हमने डिमांड किया था कि इनको पेंशन लागू किया जाए, एक मुश्त आर्थिक लाभ दिया जाए। दूसरा था कि अन्य राज्य जैसे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अतिरिक्त मानदेय का राज्य सरकार जैसे वृद्धि किया है 10,000, 8,000, उसी तरह से झारखंड सरकार जो 1400 रुपये दे रही है इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये सेविका और 5,000 रुपये सहायिका को ये लागू करें। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस कैलेंडर वर्ष में लागू करेंगे, लेकिन ये सरकार लागू नहीं किए। और आज विडम्बना यह है कि आज दूर दराज से, कोने कोने से, छत्तीसगढ़ के कोना से, इधर पश्चिम बंगाल के कोना से, इधर उत्तर प्रदेश के कोने से, हर जगह से महिलाएं आई हुई है सरकार को इस याद दिलाने के लिए कि अब तो रघुवर जी सुन लीजिए, अब तो इनको हमको दे दीजिए। महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं, ये कैसा महिला सशक्तिकरण है जो कि आज महिला रोड पर अपना जो है से हक मांगने के लिए दौड़ रही है। इसलिए अगर सरकार नहीं मानती है तो मिल करके आंदोलन 16 अगस्त तक किया जाएगा। अब देख सकते हैं विजुअल में कि किस प्रकार यहाँ महिलाओं की भारी भीड़ जमा हो चुकी है और इनकी जो मांगे हैं क्या सरकार तक पहुँचती है। हम कोशिश करेंगे इनकी मांगों तक पहुँचाना। अब हमारे साथ जुड़े रहें, कैमरामैन अभिषेक आनंद के साथ मैं मोहम्मद फैसल, P3 न्यूज़ इंडिया, रांची।